दोस्तों अजकल बरसातों के मौसम में मलेरिया का रोग काफ़ी फैल जाता है। ये मौसमी बुखार हो जाता, लगातार कब्जी बनी रहती है। गर्मी के मौसम में लू लगन या मच्छर के कट्टन मलेरिया का रोग होता है। शरीर में कंबनी छुटती है, शरीर टुटन भजन लगता है, अखां लाल हो जांदियां ते जलन हुंदी है, गला वार वार सुकदा है, कुछ भी खाने दिल नहीं करता, सिर भारी हो जाता है, बेचैनी बनी रहिंदी है। इस मलेरिया के रोग के इलाज लई तुलसी का बूटा सब तो वधिया मन्या जांदा है। मलेरिया का घर में इलाज करने लई तुलसी का रस, तुलसी की बल्ली, तुलसी माला, तुलसी बीज जां तुलसी का पचांग मलेरिया खत्म करने लई वरत्या जांदा है। तुसी मलेरिया का घर में किवें इलाज करना है? तुलसी रस 100 ग्राम अते काली मिर्च 10 ग्राम दोनों नूं लैके पीस लो। रोगी नूं चमच भर के 2-2 घंटे बाद पिलाउंदे रहो, मलेरिया का रोग ठीक हो जाएगा। दूजा ढंग यह है, तुलसी पत्ते 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, करेले के पत्ते 20 ग्राम अते कुटकी 40 ग्राम लै लो। पहला कुटकी ते काली मिर्च रगड़ो, फिर तुलसी अते करेलियां दे पत्ते खरल विच पा के खूब रगड़ो ते काढ़ा तैयार कर लो। इस काढ़े दियां मटरां दे दाणियां जिड्डियां गोलियां बना लो। बुखार उतार के 2-2 गोलियां सवेरे शाम रोगी नूं दिओ। जदों बुखार चढ़िया होवे पहला बुखार उतार लो, फिर दवाई पूरा असर करेगी। कुछ ही दिनों विच मलेरिए दा रोगी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों आस है कि तुहानूं इह नुस्खा वधिया लग्या होएगा ते जिंदगी विच तुहाडे काम आएगा। तुसीं हमेशा साडे चैनल नाल जुड़े रहो ते इसे तरह के जिहड़े उपचार है तुहाडे नाल सांझे करदे रहांगे। धन्यवाद।